मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ऑडियो क्लियर है? हेलो, क्या ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? सुनाई दे रही है? और बता दें एक कंफर्मेशन के लिए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? फटाफट जल्दी से ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। यस सर, ऑल क्लियर। तो वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ठीक हो जाना है। सब सही है, चलिए ठीक। तो बोल रहे हैं सब सही है, मतलब सही है, चलिए ठीक है। चलिए, तो प्रोफेसर मिल गया, सब सही है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ बना क्या आपसे? कुछ ट्राई किए थे? क्वेश्चन कुछ ट्राई किया था आप लोगों ने? जवाब दीजिए फटाफट, रिप्लाई करेंगे। बन रहा है, ठीक है, बन रहा है निश्चित रूप से। और लोग एक से दो दिन के चैप्टर कंप्लीट भी करना है ये वाला, और यार टाइम भी ले लिया हम लोगों ने इसमें, लेकिन आई थिंक जितना टाइम लिया उसमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वैसा हम उम्मीद रखते हैं। इतना टाइम लेना व्यर्थ नहीं गया होगा। एक टॉपिक 2 से 3 दिन के अंदर भी कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन इतना टाइम लेने के पीछे रीजन है कि क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन तो बना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लोग मैसेज करने से पहले की क्लास स्टार्ट होने वाले तो है, क्लास स्टार्ट हो तो ठीक है। चलिए, अच्छा किस किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रहा है? एक दो टाइप बचा हुआ है लास्ट में, जो आपसे बुक लग रहा है आप देख रहे होंगे, तो सॉल्व करने के लिए होगा, सॉल्व फॉर एक्स करके इक्वेशन टाइप होगा, वो नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो उसको छोड़ करके आई थिंक मोस्टली क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था अभी तक। और बार बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म करने वाला क्वेश्चन था, जिसको मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम में बताया था, सिखाया था। अगर आप वहां से रिवाइज किए होंगे तो क्वेश्चन बनता होगा आपसे, वहां से रिवाइज किए होंगे तो। मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है ग्रुप में डाला करें उस क्वेश्चन को, जैसा होता है जो मैं बता दूंगा करके, ठीक है। आप ग्रुप में डालिए क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, जो समझ लीजिए वो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। तो कहना ये है, कहता है कि प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए कह देगा कि sin a / 2x / 1 + x / 2 = इतना प्रूफ करने के लिए बोल देगा। जब x ऐसा प्रूफ करने के लिए आपसे बोल सकता है, ठीक है। कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए, यहां से जो मेथड मैंने बताया प्रूफ करने के, सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे यूज करना है। अब कुछ है नहीं, मैंने बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। वैसा को प्रूफ करने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तो पूछा नहीं है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको वो देखिए, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। हाँ, बच्चा पूछे एक भी क्वेश्चन में कंडीशन देना जरूरी है, विवेक कुमार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में कंडीशन देना जरूरी नहीं है। एक कंडीशन वहाँ पर वैलिड होता है, मेनली एक कंडीशन का रोल जो होता है, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन दे तो वहाँ पर यूजफुल होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बातें करते तो सिंपल वाला काम होता है, कंडीशन नहीं भी देंगे तो काम हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बात करते सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है इतना इक्वल टू इतना, बस बोर्ड एग्जाम के लिए।
लेकिन यही रहा गेम एज एडवांस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बातें करते हैं तब आपको कंडीशन के थ्रू जाना पड़ता है कि वो उसमें कुछ कंडीशन में देख करके आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसी कोई बातें नहीं है। जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिख के दिया था आपको, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख के दिया था आपको, है ना, ये लिख के दिया था। और बाजू में कुछ कंडीशन लिख के दिया था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक ऐसा लिख के दिया था। और लगे हाँ एक पूल और लिख के दिया था पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन, इसके लिख के दिया था। दो अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन मैं फिर से बराबर करना चाहता हूँ कि दोनों अगर आप याद रखते हैं कंडीशन के साथ बहुत ही अच्छी बात है, आपको कभी कोई गलत नहीं करा सकता है, समझ गया ना। लेकिन अगर आप ओनली फॉर बोर्ड के लिए इंटरेस्टेड अगर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा बोर्ड का, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, उस बोर्ड का क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही से एक यूज कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें कोई पूछता भी नहीं है रेयरली, मतलब आपका किस्मत खराब है क्वेश्चन बोर्ड का पूछना हुआ तब जाकर ये सब कंडीशन यूज करके वो क्वेश्चन बनाता है, लेकिन बोर्ड के लिए जरूरी नहीं। बहुत सारे टीचर या जो भी बच्चों को कॉपी में देखता हूँ तो कंडीशन नहीं लिखा हुआ रहता है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा रहता है, बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन मैंने कंडीशन लिख दिया कि क्वेश्चन ट्विस्ट करना हो तब जाकर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ट्विस्ट कर सकता है, तो कंडीशन के साथ अगर आप याद करते हैं चीजें बहुत आसान हो जाएगी और क्वेश्चन गलत कर भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं विशाल कुमार, इसका मतलब ओनली सोल्यूशन कर देंगे, हाँ कर देंगे आप ओनली, आप ओनली सोल्यूशन कर देना काम हो जाना है बोर्ड के लिए बात करें, लेकिन बड़ा बोल रहा ना जब बोर्ड के लिए बात करते हैं तो सिर्फ सॉल्यूशन कर देंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर अगर आप चाहते हैं फुल में फुल मार्क्स मिले, और एग्जामिनर की मर्जी पर डिपेंड करता है कि चार मार्क्स का क्वेश्चन दिया ठीक है तो चार में चार मार्क्स देता है कि नहीं देता है, थोड़ा कंडीशन लिखते हैं तब चार में चार मार्क्स देता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मन मर्जी पर डिपेंड करता है। तो जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं इतना टाइम दिया है तो कंडीशन याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो चार पांच छह बार लिखिएगा तब वो याद हो जाएगा, और मैंने इस तरीके से प्रूफ करवाया है आपको कि और भी दिक्कत नहीं होना है, हर एक क्लास आप कंटिन्यू किए होंगे हर एक बात ध्यान में होगा, ये सब कंडीशन बहुत टफ नहीं है, विद इन अ मिनट आप रफ मिला करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। लोग गेम में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y को उल्टा लिखें, अच्छा सॉरी ठीक है, एंड एंड लेट द इक्वल टू हम लोग एनसीईआरटी बनाइएगा, मुझे बताओ दिखेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बनेगा, क्वेश्चन बैंक होगा चाहे वो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो उसका भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, हाँ चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये इशू करना है फिर से, तब आप ध्यान सुनिएगा समझिएगा फिर से, वही एक करूंगा बाकी फिर कॉस्ट का टाइम का कैसे होता है आपको आराम से हो जाएगा, तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, आज पकड़े काम पानी खत्म ही करेंगे, कैसे करते हैं वो देखे जाते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा मान लिया, एक्स इक्वल टू टैन थीटा माना, यहाँ से देखा जाए तो उल्टा करके लिखते हैं तो टैन थीटा इक्वल टू एक्स
थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। सो थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स एक्स है, एक बार के मतलब क्लियर से बात हो गई कि टैन इनवर्स एक्स का मतलब क्या, थीटा का जो वैल्यू है वो बिलोंग टू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक, है कि नहीं। टैन इनवर्स का tan इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक होता है इसका आउटपुट, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ मतलब मान के चलते आगे बढ़ते हैं। फिर भी x को मैंने tan थीटा माना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, इसलिए थीटा के नाम को माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। अब यहाँ पर ग्रुप करना उस पे आते हैं LHS, तो LHS में क्या है आप लोग लिखेगा कि LHS, LHS में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये LHS में है। अब यहाँ पर x का वैल्यू पे टैन थीटा रखने के लिए कहा था, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 x पे आप पुट किया टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या हो गया, यहां से लिख सकते हैं क्या sin इनवर्स, ये कॉमन लिख सकते हो this one is equal to sin 2 थीटा, this one is equal to sin 2 थीटा, ये हो गया ठीक है, this one is equal to sin 2 थीटा। आगे बात करते हैं याद लीजिएगा, ठीक है, यहां से sin इनवर्स इक्वल टू sin 2 थीटा हो गया। अब आगे देखे जाए, अब यहाँ पे क्या है, जब साइन इनवर्स साइन टू थीटा है तो डायरेक्टली जो है यहाँ से सबसे पहले बात, बार बार जो बच्चे गलती करते हैं साइन इनवर्स साइन खत्म होने के बाद हम टू थीटा लिख के ही गलती कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, हमने आपको बहुत सिखाया है ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, पहली बात है ना, क्योंकि साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आपको मालूम है, साइन इनवर्स साइन फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ, मैं आपको फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो ग्राफ कुछ ऐसा था, इस तरीके से कल आगे बढ़ रहा था, अगर आपको याद हो तो है ना, जीरो यहाँ पर क्या था आपका, ये पाई बाई टू था, ये पाई था है ना, फिर यहाँ पर क्या था आपका माइनस पाई बाई टू था, और यहाँ पर क्या था माइनस पाई, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे साइन इनवर्स साइन एक्स में, ठीक है, इसमें आपने इसका इसका इक्वेशन बताया था कि सर इसका इक्वेशन y इक्वल टू x है, इसका इक्वेशन बताया था y इक्वल टू क्या था आपका इसका माइनस x प्लस 5, और इसका इक्वेशन क्या बताया था आपने, क्या था आपको y इक्वल टू x माइनस 5 x प्लस 5 सॉरी x प्लस 5 कितना क्या आया था, अगर आपको ध्यान हो तो ग्राफ हमने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग, अब तो आई थिंक इस ग्राफ में या इक्वेशन में बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, अगर सब कुछ आपको ध्यान होगा तो है ना, ये बात बताया था इसे डायरेक्टली यहाँ से ध्यान नहीं करना, नॉर्मल पीपल है नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ से ध्यान करते थे, लेकिन इतना सिखाया हमने कि अब आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं करना है। अब आगे देखिए सुनिए अभी बोलने वाले यहाँ से ये होंगे, अब आगे देखिए, अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, एंगल क्या नहीं करना, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू थीटा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे टू थीटा लिखा हुआ है, जिसको हम बस आगे प्रोसीड करते हैं, देखे जाए से अगर थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तो टू थीटा, मैं टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, माइनस पाई से लेकर के पाई तक, और टू थीटा का वैल्यू कहाँ से काम नहीं करेगा माइनस पाई से लेकर के पाई तक, और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, ये बता क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अरे देखिए रीजन क्या है, रीजन क्या है कि देखिए ध्यान से, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस रीजन में समझे जो हम बोलने वाले हैं, इस रीजन में माइनस पाई से लेकर पाई बाई टू तक, फिर माइनस पाई बाई टू से लेकर देखिए पाई बाई टू तक, और फिर पाई बाई टू से लेकर पाई तक, फिर कहने का मतलब क्या, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एंड दिस इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 5 इन दिस रीजन, तो कहने का मतलब जो आउटपुट हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 5,
टू थीटा प्लस फाइव, ठीक है ना, टू थीटा प्लस फाइव, ठीक है, टू थीटा प्लस फाइव, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बातें करते हैं तो टू सी पर या टू थीटा होगा, सॉरी से यहाँ तक क्या हो जाएगा उसी रीजन में माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस टू थीटा प्लस फाइव, कहाँ से कहाँ तक फाइव बाई टू से लेकर के फाइव तक, ये इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो पूछे हमसे, ठीक है, पहले केस में क्या राउंड दिख रहा है, क्या पहले केस में क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पहले केस में, तो पहले केस में क्या यहाँ पर x प्लस फाइव लिखा है तो क्या इस रही है क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे माइनस एक हो जाएगा ना, सॉरी 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 यहाँ पे इस तरीके से जाऊंगा तो माइनस एक हो जाएगा, सॉरी माइनस एक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस फाइव, अब ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, माइनस एक्स माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ पे माइनस टू थीटा हो जाएगा और ये माइनस फाइव हो जाएगा, चलिए थैंक यू विशाल, थैंक यू, ठीक है सही बोल रहे थे आप, है ना, हाँ ठीक है सही, अब ठीक होगा ना, अब सही होगा, अब सही हो रहा होगा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपके, चीजें क्लियर हो गई अब आपको, अब आगे बात करके ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे जो हम बोलने वाले हैं आपको, क्लियर, अब यहाँ देखिए यहाँ तक इस यहाँ तक कोई दिक्कत का हम से पूछिए पहले उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करें तो यहाँ तक कोई दिक्कत का बुढ़िया हम सब आगे बढ़ेंगे नहीं तो कोई परेशानी है आपको यहाँ तक प्लीज कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, यहाँ से कोई दिक्कत है आपको, हाँ नो प्रॉब्लम सर, अच्छा आवाज आ रहा है ना, आवाज में कोई दिक्कत है क्या आपको, एक बच्ची बोल रही थी आवाज में दिक्कत हो रहा, क्या आवाज में रियली दिक्कत है क्या, चलिए ठीक है तो आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सा मैनेज करें, बार बार बोल रहे मैनेज करें, बारिश भी हो रहा है तो बारिश का आवाज आ रहा होगा आपको, ठीक है तो मैनेज करें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखना सुनना समझना है हमें बोलने का, अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखिए इक्वल टू माइनस माइनस टू, ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है कि आप समझ गए कॉन्सेप्ट को, समझते हैं आप कहीं कुछ गलती भी करता हूँ तो आप समझ गए कहाँ पर क्या गलत है, ये अच्छी बात है, समझ आप ध्यान दे रहे हैं क्या कहीं से, ठीक है थैंक यू ध्यान देने के लिए, तो माइनस टू ठीक है, अब देखिए वैल्यू प्रूफ करता हूँ थीटा का, तो माइनस टू ठीक है, थीटा कितना आपका टैन इनवर्स एक्स है, तो माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस फाइव, पहले केस में, अब यहाँ से क्या हो गया माइनस फाइव माइनस फाइव टू, छोटा लेता आगे बढ़े देखिए ध्यान सुनिए जो बोलने वाले हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस टू थीटा के लिए आपको क्या टैन इनवर्स एक्स माइनस फाइव, फिर से क्या हो गया माइनस फाइव टू टैन इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ये हो गया, अब आगे इसमें इसमें बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टू
थीटा के लिए पुट किया tan, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x कितना क्या माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 2 tan इनवर्स x से लेकर के क्या पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 तक, और फिर से यहां पे क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, पाई बाय 2 से लेकर के पाई तक, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो बोली में लिखा हुआ है इतने तो ले लिए आप, मैं तो लिखाने वाला हूं आज। हां स्क्रीन पर मेरे के बी स्क्रीन पर लेट के लिख लिया, हमें अच्छी बात है, लिखिए क्या यहां पर तुम्हें जल्दी से वो तो बता दिया हमें, जल्दी 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 निकालने की इजाजत है, जनता क्या बोलती है निकालिए। ये लाइन में दिक्कत है,
इनवर्स को टैन से थ्री किया, उसी प्रकार यहाँ पर बातें करूंगी, बन जाएगा क्या टैन इनवर्स माइनस पाई बाई फोर से लेकर के टैन टैन इनवर्स यहाँ पर टैन रहेगा, सिर्फ टैन रहेगा, सिर्फ टैन रहेगा, सिर्फ टैन रहेगा, सॉरी सिर्फ टैन रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा टैन पाई बाई फोर इस तरीके से, और यहाँ भी हो जाएगा क्या टैन पाई बाई फोर एक्स टैन फाइव बाई टू। बोलिए ठीक है, समझ गए, नो प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ, हमने क्या किया इनवर्स को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, तो जानते हैं इनवर्स जब इधर आता है तो एंगल बन जाता है, इसी तरह इनवर्स इधर आया तो टैन माइनस फाइव बाई फोर हो गया और फिर टैन माइनस फाइव बाई टू हो गया। अब आगे देखिए बोलने वाले हैं आपको, आगे देखिए ध्यान से, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है वो देखिए ध्यान से, हमको बताने में इतना वक्त लग रहा है, आपको करने में इतना वक्त नहीं लगेगा। यहाँ से देखिए माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस फाइव टैन माइनस फाइव बाई टू मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एक्स यहाँ से हो गया माइनस वन, माइनस वन यहाँ पर क्या आपका टू टैन इनवर्स एक्स यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस वन है आपका, तो माइनस वन एक्स यहाँ से वन हो गया ये, और यहाँ से बात करते हैं तो माइनस टू टैन इनवर्स एक्स प्लस फाइव क्या गया यहाँ से वन वन एक्स इंफिनिटी ऐसा आ गया। इसी को जो है लिखा रहता है तो ऐसा करके माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस फाइव इसको सिर्फ इतना को इतना तो सिर्फ लिखता है क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, सॉरी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे दिखाता है क्या टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन से लेकर के वन तक, और फिर यहाँ पे बातें करता हूँ, यहाँ पे बातें करता हूँ क्या होता है माइनस टू टैन इनवर्स एक्स प्लस फाइव ठीक है, ये क्या है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन का, ये जाके आपका फाइनली आ गया। तो बोलिए यहाँ दिक्कत क्या है, क्या पर कमी हो रही है जल्दी बताइए, ठीक है ध्यान समझ गए, इसी स्टेप में कोई दिक्कत है आप पूछिए, आप चाहते तो आगे मिला लीजिए। अब कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आपको, मे बी उन बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस वन इक्वल टू है सर, और यहाँ पर सब जगह है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वैसी बात से नहीं है, उनको मैं एक बात बता देता हूँ ये ऐसा भी लिख सकते हैं नहीं तो क्या होता है दोनों में माइनस वन यहाँ भी है माइनस वन यहाँ भी है, दोनों में कोई एक या इक्वल टू का साइन रहेगा, रूल का है एक बुक वगैरह ऐसा लिखा रहता है उसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कहने के मतलब वैल्यू सेम है माइनस वन यहाँ है माइनस वन यहाँ है तो दोनों में से कोई एक जगह इक्वल टू का साइन दीजिए, यहाँ है और यहाँ है तो दोनों में से कोई एक जगह दीजिए, समझ गए ना, ये किताब वगैरह में कभी कभी क्या लिखा रहता है दोनों जगह लिखा रहता है, तो ये भी सही है और उसको भी सही आप मान सकते हैं ठीक है। तो आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप क्या कंक्लूजन है और कंक्लूजन किसी को आगे बढ़े बिना दिया गया जल्दी बोले जल्दी बोलो जी बिठा दे कोई सही नहीं है तो ये तो दिक्कत कर देते हैं। हाँ बोलिए 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 जी सब लोग नहीं देते ठीक है, एक तो दर्द लगता है, समझ गए ना आगे बढ़ते हैं, समझ गए हो आगे बढ़ते हैं, समझ गए हो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं चलिए मैं तो मिटा रहा हूँ, अभी टच रहेगा तो आप प्रूफ कर लोगे आराम से प्रूफ हो जाएगा आपका टच रहेगा तो
ध्यान सूर्य के समथिंग, ठीक है, समझने का जो बोलने वाले हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया ये वाला, ये कभी कभी ऐसा देखा गया किताब बुक वगैरह में ये नहीं लिखा रहता है, तो क्या लिखा रहता है वो देख लीजिए। कभी कभी किताब में देखते हैं तो ये नहीं लिखा रहता है, तो क्या लिखा रहता है वो भी देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या लिखा रहता है। लिखा रहता है कि कुछ ऐसा लिखा रहता है, ये ऐसा लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा आगे टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये उधर गया साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा। और यहाँ पर कंडीशन जो है वही माइनस वन से लेकर के इस तरीके ये ऐसा, या इसे बातें करते जैसा लिखा रहेगा पाई माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स नेगेटिव टेन बन। और यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस, ये कंडीशन ऐसा लिखा रहेगा ये वाला, ठीक है। पहली सही होना है, दो सही ठीक है, समझ गया क्या क्या है ये सही पहले क्या, ठीक है, तो दोनों सेम चीज समझ आया। ये हो गया, वैसा कुछ भी रहेगा तो आप काम कर लेंगे, आगे बढ़ते इसमें इन थोड़ा सा और आगे कुछ सिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा समझिएगा जो बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करिए ध्यान से। अब एक बात और, बच्चा एक बच्चा चाहते हुए पूछा था कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कंडीशन याद रखना पड़ेगा क्या, तो बार बार बोले कंडीशन याद है तो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है, नहीं तो बोर्ड की बातें करूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ध्यान रखें तो भी काम हो जाएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए आप इतना याद रखें तो भी आपका काम हो जाएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाइएगा लेकिन साइंस आपका काम हो जाएगा होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बातें करते हैं इस तरीके से पूरा कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब जाकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए जहाँ सूर्य का समझे जो बोलने वाले हैं समझे। अब इसमें कुछ कर लीजिए कुछ और सिखाते हैं आप, देखिए यहाँ से सुनेंगे इसको, देखिए यहाँ से इतना इस पर इतना है इतना इस पर इतना है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड नोट पॉइंट बना के डिटेल में लिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ से नोट पॉइंट बना करके नोट पॉइंट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इसको नेगेटिव में सुनो लेकर के जाइए उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन, जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा हो इतना प्लस इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। और थर्ड वाले को ध्यान से देखिए ये उधर गया तो टू टैन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव। कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन,
तो वन से बड़ा होने पर वो पाई दे रहा है और वन से छोटा होने पर माइनस वन छोटा होने पर वो जो है क्या दे रहा है माइनस पाई दे रहा है। इस रिजल्ट का आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा के दिया ये कब कंडीशन, ये पाई कब होगा जब वन से बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा टू थ्री फोर फाइव सौ पचास हजार जो भी हो जाएगा। ये माइनस पाई कब होगा जब एक्स जो है जो इनपुट एक्स दोगे तो माइनस वन से छोटा माइनस टू माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस सौ माइनस दस ऐसा कुछ रहेगा तब जा करके माइनस पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। इस तरह का क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ मुझे कैसे बन सकता है। तो अच्छे से लिख नहीं पड़ा था, ऐसी समझने में दिक्कत नहीं हुआ आपको, नोट पर लिख के दिया तो समझने में दिक्कत हुआ। सेकेंड और थर्ड रिलेशन जो है उससे मैंने निकाला है। बोलिए नोट वन लिख के दिया तो दिक्कत नहीं हुआ आपको, जल्दी बताइए। दूसरा है cos f of minus k, ये जैसे कि उसने क्या दिया हुआ है, f of x equal to दिया हुआ है sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 2 tan inverse x दिया हुआ है। आपको बोलता है f of 100 मतलब क्या, आप इसका वैल्यू क्या पढ़ करके आए हैं, इतना प्लस इतना इक्वल टू पाई भी पढ़े हैं, इतना प्लस इतना इक्वल टू माइनस पाई भी पढ़े हैं। पाई कब जब इसका वैल्यू 1 से बड़ा और माइनस पाई कब जब इसका वैल्यू माइनस वन से छोटा। यहाँ पर एफ ऑफ हंड्रेड बोल रहा है, एफ ऑफ हंड्रेड बोलने का मतलब एक्स के जगह सौ पुट करना है, तो एक्स के जगह सौ पुट करना है। हेयर हेयर एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड, हेयर एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड विच इज ग्रेटर देन वन, विच इज ग्रेटर देन वन जो कि वन से बड़ा है। अगर ये सौ जो कि वन से बड़ा है, इट मीन जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, पाई के बराबर होता है। तो उसका आउटपुट पाई के बराबर होता है, मतलब कंडीशन पर ब्रैकेट या यहां समझ सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ हंड्रेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई। काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक है, काम खत्म, आंसर आ गया, समझ गए। ये पाई कैसे आप समझ आया कि नहीं है आपको, जल्दी बताए फटाफट, या तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, सेकंड वन के तरफ पढ़ते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, cos f of 100 है, cos f of minus 10 है, ये है आपका f of minus 10। तो फिर से मैं बोलूंगा कि सिंस f of x is equal to क्या दिया हुआ है आपको, f of x equal to दिया हुआ है sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 2 tan inverse x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर x के जगह इन्हें के ध्यान से क्या है समझिए, यहाँ पर क्या है x के जगह क्या है minus 10, x के जगह minus 10 करने का मतलब minus 10 जो है वो क्या है less than क्या है minus 1 है, minus 1 से छोटा, तो माइनस वन से छोटा मतलब इसका जो आउटपुट हो जाएगा एफ ऑफ टेन, अगर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टेन पुट करूंगा इसका आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस टेन क्या होगा माइनस पाई हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ से कॉस, आपको चाहिए क्या देखिए यहाँ से, आपको चाहिए कॉस एफ ऑफ माइनस टेन चाहिए। तो कॉस एफ ऑफ माइनस टेन, एफ ऑफ माइनस टेन का वैल्यू क्या है माइनस पाई, यहाँ डाल दिया क्या माइनस पाई, और cos में जानते हैं कि माइनस के साथ नहीं पड़ता है, दिस वन इक्वल टू cos पाई, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, इसका वैल्यू इसके अंतर का पाई उसका अंतर का माइनस वन। क्या ये बातें समझ आया आपको, जल्दी बोलिए।
माइनस पाई बाई टू से लेकर के
फाइव बाई टू का, ये हो गया। यहाँ तक लास्ट में भी किया था हमने, है ना, यहाँ तक हमने लास्ट में भी किया था। अब आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इसके बाद क्या है, एल एच एस के पास जाते हैं, एल एच एस। तो एल एच एस क्या बोलता है, एल एच एस, LHS cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, ठीक है। x का वैल्यू पुट किया tan theta, x का वैल्यू tan theta पुट करते हैं क्या बन जाता है, वो देखिए cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। अब इसके बाद क्या, यहां से cos inverse cos 2 theta, cos inverse cos 2 theta, और इसको जो है, इसको जो है 2 थीटा लिखना, लिखना सरासर, सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो हमें याद करना है कि cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता था भाई, हमें ध्यान करना है cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता था। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा बताया गया था, इस तरीके से करके ये x, इस तरीके से था x y, ठीक है, x y y था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या था आपका, ये माइनस पाई और ये पाई, इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, और याद हो तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, cos inverse cos x का ग्राफ, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या, ये आपका जीरो हो गया, यहां से क्या, इसका इक्वेशन क्या था आपका, इसका इक्वेशन था y = x, इसका इक्वेशन था y = - x, ठीक है। याद आ गया, cos इनवर्स cos x का ग्राफ ऐसा था। अब यहां पर क्या, 2 थीटा, तो 2 थीटा यहां पर आप लाए हो थीटा, तो 2 थीटा आप चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 थीटा आ जाना है, 2 अगर अंदर एंट्री मारता है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस पाई से लेकर के पाई तक, मतलब आपको देखना कहां से कहां तक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक देखना है, मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहां से माइनस पाई से लेकर के पाई तक एरिया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से क्या, एक बार जाना पड़ेगा तो माइनस पाई से जीरो, एक बार जाना पड़ेगा जीरो से लेकर के पाई तक, तो माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई तक जाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, समझेंगे। यहाँ से क्या, जैसे ही मैं बोलूंगा कि भाई क्या चलना है अपने को, अब मैं बोलूंगा आपको चलना कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से लेकर जीरो तक, दो डिजिट हो जाएगा, एक हो जाएगा थीटा का वैल्यू, देखिए ध्यान से, माइनस पाई से लेकर के माइनस पाई से लेकर के कहाँ तक, जीरो तक, और एक चलेंगे क्या, जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक, ये तो माइनस पाई से लेकर जीरो तक क्या बात हुई थी, माइनस जीरो से लेकर पाई तक बात हुई थी क्या, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बोले तो माइनस टू थीटा, यहाँ एक्स का काम क्या कर रहा है, टू थीटा कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू थीटा, इस तरीके से करेंगे, सही है, यहाँ यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ टू थीटा होगा, यहाँ भी टू थीटा होगा, एंगल टू थीटा, ठीक है। इसके बाद थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, थीटा का tan इनवर्स x है, थीटा tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x यहां भी हो जाएगा और 2 tan इनवर्स x यहां भी हो जाएगा, और अगर 2 आप नीचे ला लो तो 2 नीचे ला जाएगा माइनस पाई बाई 2 और 0 बाई 2, यहां हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां से थीटा हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां 2 नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा और यहां से थीटा हो जाएगा और यहां पाई बाई 2 हो जाएगा, और थीटा पे जगह थीटा एक्चुअल में था क्या, थीटा tan इनवर्स x था, इस थीटा को मैं रिप्लेस करके मानी को दूसरे थीटा क्या है, कि थीटा आपका tan इनवर्स x है, और ये थीटा क्या है आपका tan इनवर्स x है, ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, अब यहां से क्या हो गया, आसान हो गया, अब इस tan को आप इधर ले आइए, ठीक है, और tan को उधर लेके चले जाइए, tan माइनस पाई बाई टू और tan जीरो को जाएगा, फिर tan इधर आएगा, tan 0 हो जाएगा और tan पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से समझ गए, मैं मिटाओ मैं इसको, एक लाइन और करें काम खत्म हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप, कुछ कुछ दिक्कत तो पूछिए आप, कुछ दिक्कतें हैं तो पूछिए, मैं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी से करेंगे। हां जी,
कुछ दिक्कतें हैं तो पूछे, लेकिन आगे बढ़ूंगा। क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम सर। और लोग बेटा दू स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो समझ गए आप, समझ गए इसका मतलब। ठीक है, मैं आपसे मिटा रहा हूँ, काम अपना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई? अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस वन इज इक्वल टू एक है आपका माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। अब टैन इनवर्स किधर आएगा? तो हो जाएगा टैन माइनस पाई बाई टू, टैन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, टैन माइनस पाई बाई टू एक्स टैन जीरो। और यहाँ से क्या हो जाएगा? टू टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर टैन इधर आएगा तो टैन जीरो हो जाएगा एक्स इक्वल टू बस अंदर इक्वल टू बस अंदर। और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से टैन पाई बाई टू हो जाएगा। अब आगे क्या? एक टर्न और करते हैं, काम आराम से होगा। यहाँ से एक टर्न और करते हैं तो काम आराम से हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, टैन माइनस पाई बाई टू। टैन माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस की इंफिनिटी, एक्स और जीरो। यहाँ से टू टैन इनवर्स एक्स, टैन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया, एक्स यहाँ से इंफिनिटी हो गया। कल तक ठीक है। तो यहाँ पर और क्या इसके जगह पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बोलिए x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखते हैं? इसके जगह पर सिर्फ लिखा रहेगा x less than 0 और इसके जगह पर लिखा रहेगा x greater than equal to 0 जो वहां लिखा हुआ है। काम हो गया। देखिए, जब चाहते थे वो आया हुआ है, जब चाहते थे वो आया हुआ है। अब बताइए, अब इस टाइम में कुछ भी रहेगा तो आप काम कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत हुआ आपको? इस टाइम में कुछ भी रहेगा अप्रूव करने में दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आराम से हो गया होगा। कहीं फॉर्मूला भूल भी जाए तो विद इन अ मिनट, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप प्रूव कर सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बाकी आपकी मर्जी, याद कर दो और बहुत बेहतरीन बात है। अब जिस रूम में रहते हैं उस रूम में चार्ट बना के डाल दो ना, जब भी आप देखिएगा तो मन में फॉर्मूला मत कीजिएगा, आप याद कीजिए कैसे प्रूफ किया गया था। आप ये याद कर लेना, दोनों काम हो जाएगा आपका। फॉर्मूला से अलग कॉपी बना लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। इसको शॉर्ट नोट्स कहा करते थे हम। चलिए जी, बेटा ने आईडी है यही तरह की पूरी ये सब काम देखा था है तुम कर सकते हो। चलिए, रिश्ता का जो भी रहेगा काम कर लेंगे। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब क्या है? देखिए, ऐसा ना लिख करके और क्या लिखा जा सकता है? मैं बताता हूँ, दिक्कत है ना? यस सर, इडीजी यस सर। ठीक है, और सब क्लास सभी बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, जो बच्चे बाहर से क्लास करते हैं वो दुख होता है उनके लिए। भाई, हम आपके लिए एकदम मेहनत करने की कोशिश करते हैं, किसी भी कंडीशन में चाहते हैं आप क्लास डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप लोग क्लास नहीं करते हैं, मुझे दुख होता है। क्या हमें पता है जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ हमारा लेक्चर देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, ये बाद में देखते हैं, पता है? समझते हैं? ठीक है, हमें अपने बच्चों में ट्रस्ट है कि वो हमें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं, नहीं जाते हैं, ट्रस्ट है हमें। ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास लाइव करें, तो उनके लिए एक मैसेज है, फायदा होगा, यकीन मानिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप फिर से एक बात मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करके आए हो, ठीक है, आप ऐसा करके आए हो, लेकिन बुक वगैरह ऐसा लिखा ना सकते हैं, ऐसा कैसा? उल्टा कर देगा, ऐसा कर देगा, उल्टा उल्टा ऐसा ऐसा लिखा जाएगा, टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे लिखेगा ऐसा, माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो, ऐसा लिखा रहेगा। तो ऐसा लिखा रहेगा तो क्या बोल लेगा सर? नहीं पढ़ाने में बताइए, तो ऐसा रहे कैसा रहे कुछ भी रहे आप काम आराम से कर ले। समझ गए? जो डीजी मेथड था प्रूफ करने का वो हमने सिखाया। प्रूफ करने का और भी बहुत सारा मेथड है,
लेकिन जब सबसे इजी मेथड होता है तो इजी ग्रास्पिंग होता है वही मेथड हमें आप यूज करते हैं। बाकी जितने भी मेथड होते हैं ग्रुप करने का एक कोर्स बनाने का हर एक मेथड हमें मालूम होता है। एक कोशिश यही होती है कि आपको सबसे इजी मेथड है हम वही सिखाएं, ठीक है ना। ऐसा रहेगा तो कर लीजिएगा, मिटा दे मिटा दे। हाँ जनता क्या बोलती है, मिटा दिया जाए बोलते ही नहीं। ये जो हो गया साइन वाला हो गया, कॉस वाला हो गया, है ना। टैन वाला मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो टैन वाला मुझसे ट्राई कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर एक ही मेथड से होना है तो मैं नहीं लिख कर रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो क्या है देखिए, टैन वाले के बारे में बातें करते हैं। tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to pi plus 2 tan inverse x, ठीक है। 2 tan inverse x, 2 tan inverse x minus pi, यहां पर है x less than minus 1, यहाँ पर है माइनस वन से लेकर के वन तक, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वन, ये है। तो करने के लिए अगर आप खुद कर लेंगे बताए तो फटाफट, ये बताने की जरूरत है कि आप खुद बता खुद कर लेंगे बोलते ही नहीं है, कर लीजिएगा खुद से हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, आप खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। हाँ बोलिए, हो जाएगा ना, बताते नहीं आपको, बोलते ही नहीं कानून। हाँ तो इस क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मैं क्या करूंगा ना, एक चार्ट बना दूंगा आपको, जितने फॉर्मूले में लिख करके दिया हूँ एक चार्ट बना दूंगा, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बोर्ड में क्या क्या कैसे रहेगा उसके लिए एक बार चार्ट बना कर दे दूंगा, उतना आप काम कर लेना, बोर्ड में आप आराम से काम हो जाएगा। उसमें चार्ट बना कर फॉर्मूला बना करके हम ग्रुप वगैरह में सेंड कर देंगे, उतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। इतना बताएं जो चाहते हैं पूरा याद कीजिए आप, तो सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार आगे फटाफट लिखते चले, आप करेंगे नहीं, आप खुद जो है ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब is equal to pi minus pi plus 3 sine inverse x 3 sine inverse x pi minus 3 sine inverse x, ये ठीक है। याद रखना ये minus 1 से लेकर के minus 1 by 2 तक है, ठीक है। ये जो है माइनस वन बाई टू से लेकर के वन बाई टू है, और ये जो एक्स टाइम है ना ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू, ऐसा है। वन बाई टू से लेकर वन का पता सही है, हाँ वन बाई टू से लेकर के वन, ये ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ग्रुप करना हो ग्रुप कर लेना, आप आराम से हो जाए। इस पर कॉस की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। कॉस में 4x क्यूब माइनस 3x, ये क्या होता है वो देखिए ध्यान से, 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2π, 2π माइनस 3 कॉस इनवर्स x होता है, और फिर क्या करते 3 कॉस इनवर्स x होता है, ये होता है। अब ये क्या, ये सभी सेम टू सेम वही, जो ऊपर वाला कंडीशन देखा था आप लोगों ने, सेम टू सेम वही कंडीशन है इसका, सेम टू सेम। यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर 1 बाई 2 हो जाए,
यहाँ पे वही कंडीशन रहेगा, माइनस वन बाई टू यहाँ से माइनस वन बाई टू से लेकर के वन बाई टू तक है, और यहाँ से वन बाई टू से लेकर के वन तक, ऐसा ये तो राइट साइड लिखने की जरूरत है। ठीक है ठीक है, दिख रहा हूँ मुझे, मैं तो मैसेज नहीं देख पाया था, ठीक है दिखता हूँ राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं मैंने, ये समझिए क्या है, साइन इनवर्स है, ये लिखा था यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, और यहाँ पर क्या था आपका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, नहीं है इसको, क्या tan के बारे में बात कर दूं तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू होता है क्या 3 tan इनवर्स x माइनस 5 प्लस 3 tan इनवर्स x 5 माइनस 3 माइनस वन बाय थ्री से वन बाय थ्री का वैल्यू ग्रेटर वन बाय थ्री होता है, और एक्स का माइनस वन बाय टू, हाँ लिख लिए फटाफट लिखिए लिखिए लिख लिए, बोलते ही नहीं है, इसको प्रूफ करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा, तो मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू साइन थीटा, हेंस दे रहे हैं, इसको प्रूफ करना होगा, तो मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू cos थीटा प्रूफ हो जाएगा, और इसको प्रूफ करने का मन होगा मान लीजिएगा नेट x इज इक्वल टू tan थीटा, और लेना आपका काम हो जाएगा, समझ गया ना, इतना कीजिएगा और यहाँ प्रूफ हो जाएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बोर्ड के लिए बातें करूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीए वाला इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सीए वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर बाकी और सब लेकिन अगर आप इच्छा हुई प्रूफ करने का मन हुआ तो कैसे करें, इसे मैंने लिख कर दिया है, और सेम जैसे पीछे का प्रोसेस था उसी तरीके से काम करना, ठीक है ना, प्रूफ कर लेंगे उसे कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछना है, और कुछ एक और डिग्री पर का लेकर, ठीक है, तो
अभी तक विशाल कुमार सभी पोर्शन नहीं बना है, नहीं बन रहा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये मूवी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ विशाल कुमार, अभी और बनाना बाकी है, एक लेक्चर और लगेगा तो पूरा पोर्शन बन जाएगा, एक लेक्चर और लगेगा तो फिर पूरा पोर्शन बन जाएगा, एक लेक्चर और कल का क्लास और। पंकज कुमार ऑफलाइन बॉक्सेस सर पता नहीं सर, थोड़ा आइडिया नहीं है, और कुछ मन में सर बहुत कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बना है, बस कुछ एक क्लास और तो बस बन जाएगा, एक क्लास और बन जाएगा, बारह बोल रहे मैं समझ रहा हूँ, पता है कौन सा कुछ नहीं बन रहा हो तो पता है, एक क्लास और तो दीजिए, दवाई का खुराक पूरा नहीं ना मिला है आपको, अभी एक डोज और बाकी है, ठीक है बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने वाला और सब्स्टिट्यूशन वाला था, मैंने वो बोला था कि आप डिफरेंशिएशन का लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा जहाँ पे हमने पढ़ाया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर सर देखते हैं, जो भी होगा ट्राई करके स्टार्ट करेंगे। अच्छा आपके मन में क्या है, क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, ठीक है आपके मन में क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद आपकी इच्छा क्या है बताइए। जनता जनार्दन इसके बाद कौन सा चैप्टर का डिमांड करती है, जैसा का मन वैसा हमारा मन, हाँ तो ठीक है, फिर भी जैसे कि बोलते हैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा सर विशाल कुमार सेक्टर सर, ठीक है और हाँ वो तो ठीक है, हम मन का काम करेंगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन आपका आपकी इच्छा जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। हाँ एनसीईआरटी बना सकते हैं, बन जाए एनसीईआरटी, तनु गुप्ता इंटीग्रेशन का डिमांड आ रहा है ज्यादा, बन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बहुत टफ है क्या, इंटीग्रेशन बहुत टफ है क्या, वेक्टर का डिमांड कर रहे हैं, वेक्टर का तो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, वेक्टर का डिमांड क्यों कर रहे हैं भाई, फिजिक्स में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक वेक्टर पढ़ाया जाता है आपको, वेक्टर का डिमांड क्यों कर रहे हैं, कैलकुलस कैलकुलस ही चल रहा है, कैलकुलस का डिमांड भी बोल रहे हैं, कैलकुलस मत फंक्शन, ठीक है फंक्शन जो है ना वो अभी फंक्शन फंक्शन में हम कौन कौन बोले फंक्शन के बारे में, फंक्शन जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, कि फंक्शन देखेंगे टाइम कितना है आपके पास, तो फंक्शन को 2 महीने में पढ़ा सकते हैं, 1 महीने में पढ़ा सकते हैं, 1 सप्ताह पढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है टाइम पे, तो अभी मत बोलिए फंक्शन को लेकर के, फंक्शन लास्ट में देख लेंगे, और फंक्शन भी इतना पढ़ा दूंगा सब आपको नहीं पूछा बोर्ड के लिए, तो फंक्शन भी नहीं पढ़ाऊंगा लास्ट में, और कैलकुलस ठीक है बोल रहे आपके लिए कुछ भी हाथ नहीं है, ठीक हो तो सही है, हम वेक्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता बात तो सही बात है, लेकिन वेक्टर पढ़ाएंगे हम चिंता ना करें, पढ़ाएंगे जितने जितना भी टॉपिक हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बोला वेक्टर पर डिटेल में पढ़े फिजिक्स में, तो आप तो हम लास्ट में पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेक्टर वेक्टर आपको आता है ठीक है, तो मैथ का वेक्टर और वेक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर फॉर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वही वेक्टर मैं बताऊंगा चिंता ना करें हो जाएगा। हाँ और कुछ बोलना चाहते हैं, अलविदा है हम आपसे कल मिलेंगे, आपके मन में और कुछ तो बोल सकते हैं, और भी मन में जो लगता है आप देख लेंगे, उसके बाद पढ़े हम देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, एक लेक्चर और लगेगा इसका, उसके बाद फिर कंप्लीट होगा,
अब इसी में इसी इनवर्स के बारे में बात करूं तो ये इनवर्स अपने एक सप्ताह और पढ़ा सकता हूं मैं आपको। देखिए कि लिमिटेशन है कहां तक पढ़ना है, कहां तक आपको ले जाना है। टाइम का फॉर्मेशन का आप क्लास का टॉपिक जो प्लस का टॉपिक हुआ अकेले दो सब पढ़ाया जा सकता है। 11th वाला टॉपिक है जिसका सिलेबस है इसको दो सब पढ़ाया जा सकता है, मतलब 11th में क्लास में चार तरह से सिलेबस में पढ़ा सकते हैं, इतना पढ़ा सकते हैं। टॉपिक का लिमिटेशन है। चलिए ठीक है, तो ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी बारे के साथ। अच्छा हाँ, अगर बेनिफिट होता है, फायदा होता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूले, ठीक है। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, पढ़ाई लिखाई करें। घर पर है तो कुछ काम है नहीं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाई लिखाई करें। टॉपिक कंप्लीट होगा तो टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे हम, जैसा कि टेस्ट आप ले चुके हैं, कैसे टेस्ट लेते थे हम ऑनलाइन या ऑनलाइन, वो सब कुछ करने वाले हैं। फायदा उठाए जहाँ तक हो सकता है, और किसी प्रकार कोई भी सजेशन कुछ भी उसका वेलकम है। मुझे सही लगा उस सजेशन को फुलफिल जरूर करेंगे हम आपके लिए, कुछ भी लगता है जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू।